टॉप शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही रिनॉन्ड पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के वेरी फेमस एक्टर, ही इज एथलीट ऑल्सो, मिस्टर नव बाजवा। अब उनकी एक मूवी आ रही है 13th of December को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है, किटी पार्टी, एंड ही इज द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ दैट मूवी ऑल्सो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, हाउ आर यू? आई एम गुड। और जिहड़े भी टाइम्स पंजाब टीवी देख रहे हैं, मेरे वालों Salute to all. सर, सबसे पहले बता दीजिए कि आप एथलीट भी हैं, हमने सुना है, योर राइटर डायरेक्टर, तो इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं? आई एम एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद चीज़ें क्रिएट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो, मैं वेला नहीं बह सकता जी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग व्हेनेवर आई हैव टाइम। या तो मैं, अभी मेरा एक गाना भी रिलीज हुआ है रिसेंटली एज अ सिंगर, तो या तो मैं रियाज करता हूँ, या मैं लिखता हूँ, या मैं मीटिंग्स करता हूँ। आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग। यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट स्टूपिड थिंग्स। आई एम रियली लेस ऑन सोशल मीडिया। आई एम सॉरी टू जिहड़े भी मेरे फैंस या फ्रेंड्स ने, वो मैनू हमेशा कहिंदे ने प्लीज़, अज भी मैनू मैसेज आया सी, सर वी आर एट टर्की एयरपोर्ट, एक किसी ने मैसेज भेजा, प्लीज़ कुछ अपलोड कर दो, वी वॉन्टेड टू सी इन द ब्रेक आपकी फ्लाइट चेंज हो रही है। यार आई एम रियली बैड इन दैट। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आजकल का टाइम है, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्राइम को इंक्रीज कर दिया है। नहीं, हमारी हीरोइन है ना जो क्राइम करवाती हैं, कायना अरोड़ा, वो तो हमेशा सोशल मीडिया पे होती हैं। तो सर चलिए बात करते हैं आपकी मूवी के बारे में, किस टाइप की मूवी है? ट्रेलर तो हमने देखा, इसका बहुत ही कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट लेके आने वाला है ये वर्ल्ड वाइड, तो कैसे आपके माइंड में कंसेप्ट आया किटी पार्टी को लेके? बिकॉज हम सारे ही जानते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो किटी पार्टी को लेके बहुत क्यूरियस हैं, एक नहीं कम से कम एटलीस्ट 20 to 30 किटी पार्टीज उनकी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मेरे मामा के कारण आया, बिकॉज मैं मुंबई से आया था। आर यू कंफर्टेबल? मैं पंजाबी गल कर रहा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बॉम्बे तो आया सी, तो मदर मेरे कहते कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आई ने ना, वैन दे वॉन्ट टू मीट यू। मैं क्या ठीक है जी, हूँ लेडीज़ का की होंगे विद ड्यू रिस्पैक्ट, उन्होंने कोई लेना देना नहीं जी, बंदा की गल कर रहे, वो अपनी मस्ती च लगी रही। सो मैनू मिलन तो बाद दे स्टार्ट टॉकिंग, इज लाइक अच्छा भैन जी किटी पार्टी कितने रखी है? अच्छा नहीं, वो होटल च नहीं करनी, अपन नवे होटल च करा। यू वर लिसनिंग? आई वाज सिटिंग एंड आई वाज लिसनिंग, आई वाज लाइक दिस इज माई कॉन्सेप्ट, ये मुझे करना है। So that's how I started. The spark was from there, and I started. And today the kitty party is here. मतलब वो एक हम कह सकते हैं कि get together जो आपके मम्मा की साइड से ही, उसके थ्रू आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया। वेरी गुड फ्रॉम योर साइड। या तो सर, कितना टाइम लगा इस मूवी को कंप्लीट होने में, और इतनी सारी स्टार कास्ट आपने लिए, बहुत ही रिनॉन्ड पर्सनालिटीज हैं। Yeah, we shot the film last year by July and August, और फिर असी अप्रैल भी कुछ इस साल शूटिंग की है। सो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक साल तो उत्ते टाइम लग गया इनू पूरा तैयार होंगे होंगे ढांचे में, क्योंकि स्टारकास्ट इन्नी वड्डी आ, इन सारे की डेट्स कट्ठिया करनिया इज़ वेरी डिफिकल्ट। इस इन बिटवीन कुगी भाजी की अरदास भी आई, एंड सांगा जी की कि फिल्मा, उपासना जी, अनीता देवगन, एवरीबडी इज़ बिजी। सो इट टुक मी 1.5 ईयर। What type of social message we can say this movie will bring to audience, to all viewers? लालच बुरी बला है। सो आई हैव शोन इन दिस के जो तुसी ज़्यादा लालच करते हो ना, उदो तुसी फसते हो। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड द सेकंड बिगेस्ट मैसेज दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट वेरी गुड एवरी टाइम। आप फेसबुक के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हो और आपकी कौन फोटो कहाँ देख रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। तो सर, इस मूवी में आपका किस टाइप का करेक्टर है? यू आर लीडिंग लीड एक्टर? आई एम, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फिल्म करेक्टर बेस्ड फिल्म है, दिस इज़ नॉट अ हीरो हीरोइन बेस्ड फिल्म। सब किरदार हैं, और मैं एक टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हूँ, सनी, जो बहुत फड़े मारता है, जो कहता है इदा असी ठग नु ठगांगे, ऐसे हम कौन को कौन करेंगे। सो दैट इज मी। ये तो पता, या तो मुझसे कहते हैं यार, एक बात है, कहते हैं कि नींद नहीं आ रही, लगता है मोहब्बत हो गई है। सो या तो मुझसे मोहब्बत करें या मुझे पीटेंगे बहुत कि तूने ये राज खोले कैसे हमारे, ये बता पहले तो मिले कहाँ से ये राज कि आप चावल के डब्बे में पैसे छुपाते हैं, ये बता तूने कैसे दिखाया। So yeah, I mean, the ladies will enjoy it, and this film is for ladies. And, ladies, even kids and everyone. Basically, because women होती है, वो I think खुदा की सबसे खूबसूरत creation है, और मुझे मौका मिला 6 beautiful ladies के साथ काम करने का, उन्हें direct करने का। बस एक ही चीज़ है कि shot से पहले
रेड्डी साहब उसका सूट ज़्यादा अच्छा है, मेरा थोड़ा सा ना अभी मैं फिल्म बना लूँ। ड्यूरिंग डायरेक्शन टाइम आपने भी ये सब चीज़ें फेस की हैं? हम तो कब के कर रहे हैं यार ये तो। But yeah, we had a great time. And I think I got my lady's luck is with me with Kitty Party. So 13 December ko Kitty Party aa rahi hai. Do watch it with your family. Beti nal dekh sakde ho tusi apne apni sister nal. There is nothing, not even a single scene jo embarrassing hai. You're gonna love it. Thank you so much sir for giving us your precious time. तो आपने देखा यह थे हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही रिनॉर्ड एक्टर मिस्टर नव बाजवा, जो एक प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, राइटर भी है, इतना मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है वो। तो अब उनकी मूवी रिलीज होने वाली है 13 December वर्ल्ड वाइड किटी पार्टी। बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी कॉमेडी मूवी है, जिसे फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, फुल फैमिली आप जाके इसे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। डोंट मिस दिस वंडरफुल मूवी ऑन 13 December। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमन के साथ शिप्रा बस लीजिए। थैंक्स। We'll be right back.